हेलो दोस्तों, C++ प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मल्टी थ्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मल्टी थ्रेडिंग एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है मल्टीटास्किंग का, और मल्टीटास्किंग के वो एक फीचर है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम हमारे कंप्यूटर के ऊपर एक साथ दो या उससे ज़्यादा प्रोग्राम्स चला सके। जनरली मल्टीटास्किंग के दो टाइप हैं, उसका पहला टाइप है प्रोसेस बेस्ड और दूसरा टाइप है थ्रेड बेस्ड। तो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग हैंडल करता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एक साथ, और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग डील करता है कुछ पीसेस जो सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसके कुछ पीसेस के साथ। तो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कंटेन करता है दो या उससे ज़्यादा पार्ट जो कि एक साथ रन हो रहे हो। हर एक पार्ट जो है उसको हम कहते हैं थ्रेड, और हर एक थ्रेड डिफाइन करता है उसका सेपरेट पाथ एग्जीक्यूशन के लिए। तो C++ कोई भी बिल्ट इन सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के लिए। इसके बजाय यह पूरी तरह से डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कि वो इस फीचर को प्रोवाइड करे। तो नीचे दिए गए हुई रूटीन की मदद से आप POSIX थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। हैश इंक्लूड pthread.h और उसके बाद pthread_create thread attribute स्टार्ट रूटीन और आर्ग्यूमेंट। तो POSIX थ्रेड या फिर जिसे हम pthread कहते हैं वो प्रोवाइड करता है API जो कि अवेलेबल होती है यूनिक्स लाइक POSIX सिस्टम में, जैसे कि FreeBSD, NetBSD, GNU, लिनक्स, MacOSX और Solaris में। POSIX का मतलब होता है पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कंपेटिबिलिटी को मेंटेन करता है। तो यहां पर pthread_create करेगा न्यू थ्रेड और उसको एग्जीक्यूटेबल बनाएगा। तो ये रूटीन आप कई बार भी कॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम कोड के अंदर कहीं से भी। तो यहां पर चलिए इसके पैरामीटर्स का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो पहला है थ्रेड, तो एक अपारदर्शी यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि रिटर्न करता है न्यू थ्रेड को सब रूटीन के द्वारा। फिर आता है एट्रीब्यूट्स, तो एक अपारदर्शी एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट जो कि यूज होता है थ्रेड्स के ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स को सेट करने के लिए। आप जो स्पेसिफाई कर सकते हैं थ्रेड एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, और अगर आप उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू पास करना चाहते तो आप नल भी रख सकते हैं। फिर आता है स्टार्ट रूटीन, तो ये C++ रूटीन है जो कि अगर थ्रेड एक बार क्रिएट हो जाएगा तो उसको एक बार ये एग्जीक्यूट करेगा। फिर आता है आर्ग्यूमेंट, तो ये सिंगल आर्ग्यूमेंट है जो कि पास होगा स्टार्ट रूटीन को। ये बहुत ही जरूरी है कि आप पास करें रेफरेंस एज अ पॉइंटर कास्ट टाइप वर्ड। अगर आप उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना चाहते तो आप नल भी रख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर है थ्रेड्स के जो कि क्रिएट हो सकते हैं प्रोसेस के द्वारा, प्रोसेस की इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, वो डिपेंडेंट होते हैं। एक बार थ्रेड क्रिएट हो जाए तो उसके पीयर्स भी क्रिएट हो जाएंगे और वो क्रिएट कर सकते हैं दूसरे थ्रेड्स को। तो यहाँ पर कोई भी इम्प्लाइड हायरार्की या फिर डिपेंडेंसी नहीं है थ्रेड्स के बीच में। तो टर्मिनेट कैसे करते हैं थ्रेड्स को, तो यहाँ पर नीचे दिए गए हुए रूटीन की मदद से आप टर्मिनेट कर सकते हैं POSIX थ्रेड को। जैसे कि पहले इंक्लूड करते हैं उसकी हेडर फाइल को pthread_h और उसके बाद pthread_exit। तो pthread_exit यूज होता है स्पष्ट रूप से थ्रेड से एग्जिट होने के लिए। आमतौर पर pthread_routine कॉल करता है थ्रेड्स के कंप्लीट उसके काम का कंप्लीट हो जाने के बाद, या फिर उसकी बहुत जरूरत नहीं है उसके बाद ये यूज होता है। अगर मेन थ्रेड्स के क्रिएट होने से पहले टर्मिनेट होता है और एग्जिट होता है pthread_exit के साथ, तो दूसरे थ्रेड्स एग्जीक्यूट होना कंटिन्यू करेंगे या तो वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगे जब मेन टर्मिनेट होगा। तो इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है कि मैंने 5 थ्रेड को क्रिएट किया है pthread_create रूटीन की मदद से। हर एक थ्रेड जो है वो हेलो वर्ल्ड मैसेज को प्रिंट करेगा और टर्मिनेट करेगा pthread_की रूटीन की मदद से। तो चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने पहले क्या किया कि pthread_h नाम की फाइल हेडर फाइल इंक्लूड की, फिर यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ थ्रेड्स डिफाइन कर दिया, डिफाइन नंबर ऑफ थ्रेड 5। तो 5
थ्रेड हमारे डिफाइन होंगे। फिर आता है मैंने पॉइंटर फंक्शन डिक्लेयर किया वर्ड पॉइंटर प्रिंट हेलो और उसके अंदर थ्रेड आईडी को पैरामीटर रखा पॉइंटर थ्रेड आईडी। फिर लॉन्ग टीआईडी यानी कि थ्रेड आईडी टीआईडी इज इक्वल टू लॉन्ग थ्रेडेड आईडी। फिर सी आउट करता हूँ हेलो वर्ल्ड थ्रेड आईडी और उसके अंदर थ्रेड आईडी प्रिंट करता हूँ। फिर पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट की मदद से उसके थ्रेड से एग्जिट हो जाता हूँ। अब मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ पी थ्रेड अंडरस्कोर टी उसके अंदर थ्रेड्स और उसके अंदर नंबर ऑफ थ्रेड्स। फिर आई एन टी आर सी डिफाइन करता हूँ आई एन टी आई डिफाइन करता हूँ और उसके बाद फॉर आई जी फॉर लूप के अंदर आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन नंबर ऑफ थ्रेड्स आई प्लस प्लस। फिर क्या करता हूँ कि सी आउट मेन क्रिएटिंग थ्रेड्स और उसके बाद आई यानी कि जो थ्रेड क्रिएट हो रहा है उसका नंबर। फिर आर सी इज इक्वल टू पी थ्रेड अंडर स्कोर क्रिएट उसके बाद थ्रेड आई डी और उसके अंदर आई को पास कर देता हूँ यानी कि जो भी आई की वैल्यू होगी वो थ्रेड का आई डी होगी। उसके बाद नल उसकी वैल्यू और उसके बाद अगर उसके अंदर आप जो एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हो तो वो नल। फिर उसके बाद प्रिंट हेलो और वर्ड आई। तो ये आर्ग्यूमेंट होंगे हमारे पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट रूटीन के। अब क्या करता हूँ कि इफ आर सी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी आउट एरर अनेबल टू क्रिएट थ्रेड अगर थ्रेड क्रिएट नहीं कर सकते तो उसको यहाँ पर ये प्रिंट कर देते हैं। फिर एग्जिट हो जाएंगे माइनस वन से और पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट से एग्जिट हो जाएंगे पूरे थ्रेड से। इस प्रोग्राम को यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि मेन क्रिएटिंग थ्रेड जीरो मेन क्रिएटिंग थ्रेड वन हेलो वर्ल्ड थ्रेड आईडी जीरो मेन क्रिएटिंग थ्रेड टू हेलो वर्ल्ड थ्रेड आईडी वन मेन क्रिएटिंग थ्रेड थ्री हेलो वर्ल्ड थ्रेड आईडी थ्री मेन क्रिएटिंग थ्रेड फोर हेलो वर्ल्ड थ्रेड आईडी टू हेलो वर्ल्ड थ्रेड आईडी फोर और उसके बाद प्रोग्राम यहां पर क्लोज हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जीरो से लेकर फोर तक हमारी पांचों की पांचों थ्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो पास करते हैं आर्ग्यूमेंट थ्रेड्स के अंदर। तो इस एग्जांपल में मैंने दिखाया हुआ कि किस तरीके से आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। आप जो है कोई भी डाटा टाइप पास कर सकते हैं थ्रेड्स के कॉल बैक में क्योंकि वो पॉइंट करेगी एज ए वर्ड जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे दिए गए हुए एग्जांपल में। तो चलिए ये एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो सेम पिछला वाला प्रोग्राम से ही शुरू करते हैं कि डिफाइन नंबर ऑफ थ्रेड्स फाइव फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया थ्रेड डाटा और उसके अंदर क्या किया कि इंटीजर थ्रेड आईडी और कैरेक्टर पॉइंटर मैसेज उसके बाद वर्ड के अंदर प्रिंट हेलो के अंदर थ्रेड आर्ग्यूमेंट और उसके बाद स्ट्रक्चर थ्रेड डाटा अंडरस्कोर उसके बाद थ्रेड अंडरस्कोर डेटा पॉइंटर माई अंडरस्कोर डेटा। फिर माई डेटा इज इक्वल टू स्ट्रक्चर थ्रेड डेटा और थ्रेड आर्ग्यूमेंट। फिर सी आउट करता हूँ थ्रेड आईडी और उसके अंदर सी आउट कर देता हूँ माई डेटा और उसके बाद मैसेज और उसके अंदर माई डेटा। यहाँ पर मैसेज और थ्रेड आईडी दोनों उसके अंदर प्रिंट करवा देता हूँ। फिर उसके अंदर पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट की मदद से एग्जिट हो जाता हूँ। मेन फंक्शन के अंदर आते हैं पी थ्रेड अंडरस्कोर थ्रेड और उसके अंदर नंबर ऑफ थ्रेड्स। फिर स्ट्रक्चर थ्रेड डाटा और उसके अंदर टी डी नंबर ऑफ थ्रेड्स यहाँ पर आई एन टी आर सी और आई एन टी आई फोर आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन नंबर ऑफ थ्रेड्स आई प्लस प्लस सी आउट मेन क्रिएटिंग थ्रेड आई फिर टी डी डॉट थ्रेड आई डी इज इक्वल टू आई और टी डी डॉट मैसेज इज इक्वल टू दिस इज मैसेज। फिर आर सी इज इक्वल टू पी थ्रेड अंडर स्कोर क्रिएट यहाँ पर थ्रेड आई फिर उसके अंदर नल प्रिंट हेलो और वर्ड और उसके अंदर थ्रेड और टी डी उसके अंदर आई वैल्यू और उसके अंदर अगर नल होगा तो आप देख सकते हैं कि अनेबल टू क्रिएट थ्रेड इसको प्रिंट करवा दिया पी थ्रेड से अंडर स्कोर एग्जिट की मदद से एग्जिट हो जाते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैन क्रिएटिंग थ्रेड्स जीरो तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैन क्रिएटिंग थ्रेड जीरो
मैन क्रिएटिंग थ्रेड वन, थ्रेड आईडी वन मैसेज, दिस इज मैसेज, मैन क्रिएटिंग थ्रेड टू, मैन क्रिएटिंग थ्रेड थ्री, थ्रेड आईडी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज अ मैसेज, मैन क्रिएटिंग थ्रेड फोर और थ्रेड आईडी थ्री, थ्रेड आईडी टू, प्रोसेस रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है वो हमारा करप्ट हो गया। चलिए फिर से इसको कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्योंकि ये स्पेशली POSIX थ्रेड हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, तो ये स्पेशली काम करता है यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज़ में ये आसानी से काम नहीं करता है, तो यहाँ पर इसकी वजह से ये एरर हमें दिखाई दे रही है। तो जॉइनिंग और डिटैचिंग थ्रेड्स, तो यहाँ पर नीचे दिए गए हुए दो रूटीन की मदद से आप थ्रेड्स को ज्वाइन और डिटैच कर सकते हैं, pthread underscore join, थ्रेड आईडी और स्टेटस, इसकी मदद से आप थ्रेड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और pthread underscore detach और थ्रेड आईडी। तो pthread underscore join सब रूटीन ब्लॉक कॉल करेगा थ्रेड को जब तक कि स्पेसिफाइज थ्रेड आईडी थ्रेड टर्मिनेट नहीं हो जाता। जब भी थ्रेड क्रिएट होता है तो उसका एक एट्रीब्यूट डिफाइन करता है कि ये थ्रेड ज्वाइनेबल है या फिर डिटैचेबल। तो थ्रेड एज अ ज्वाइनेबल होगा तो उसको आप कभी उसको तो थ्रेड एज अ ज्वाइनेबल क्रिएट होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर थ्रेड क्रिएट हुआ है एज अ डिटैच तो वो कभी भी ज्वाइन नहीं होगा। तो इस एग्जांपल में मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरीके से वेट करें थ्रेड्स का कंप्लीट होने का पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन रूटीन की मदद से। तो चलिए वो एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ थ्रेड्स 5, उसके अंदर पहला है फंक्शन void wait और उसके अंदर क्या किया कि void pointer t argument पास कर दिया। अब इंटीजर i और लॉन्ग tid पास दो आर्ग्यूमेंट पास दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, tid इज इक्वल टू लॉन्ग t स्लिप कर दिया 1 के लिए और सी आउट कर दिया स्लिपिंग थ्रेड। फिर क्या करता हो कि स्लिपिंग थ्रेड विथ id और उसके बाद थ्रेड id और एग्जिटिंग, तो थ्रेड id एग्जिट हो रहा है। फिर pthread underscore exit की मदद से उस थ्रेड से एग्जिट हो जाता हूँ। मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ, इंटीजर rc इंटीजर id डिक्लेयर कर देता हूँ, pthread underscore t threads 5 उसके अंदर नंबर ऑफ थ्रेड्स, pthread underscore attributes t इज इक्वल टू attributes, फिर void underscore status और उसके अंदर pthread underscore attributes i initiate इज इक्वल टू & attributes। फिर उसके बाद क्या करता हूँ कि pthread underscore attribute set detach status उसके अंदर पैरामीटर & attributes pthread underscore create joinable। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दो पैरामीटर्स थे जो हमारे उसके थ्रेड्स को joinable सेट करने के लिए वो यहाँ पर पास हो गए हैं। फिर क्या करता हूँ कि for i is equal to 0 i less than number of threads i plus plus cout main creating threads i उसके बाद उसके आईडी और rc इज इक्वल टू p थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट थ्रेड को क्रिएट कर देगा, उसकी आईडी एट्रीब्यूट्स उसके बाद वेट void i तो ये i। फिर इफ rc कि अगर rc के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है तो सी आउट कर दे अनेबल टू क्रिएट थ्रेड्स और rc एग्जिट -1 तो ये थ्रेड से एग्जिट हो जाएगा। और अब उसके बाद क्या करेंगे कि उसके एट्रीब्यूट्स को वेट करेंगे कि वो थ्रेड्स को फ्री करें। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि pthread underscore attributes underscore destroy और उसके बाद & उसके अंदर attributes पास कर देंगे। फिर क्या करेंगे कि for i is equal to 0 i less than number of threads i plus plus rc is equal to pthread underscore join threads i और & status यहाँ पर thread की id और उसका status। और उसके बाद अगर rc के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो unable to join के अंदर प्रिंट करवा देंगे एग्जिट 1 से वो एग्जिट हो जाएगा। फिर सी आउट करेंगे मैन कंप्लीटेड थ्रेड आईडी और उसके अंदर आई और उसके अंदर एग्जिटेड विथ स्टेटस तो यहाँ पर स्टेटस और उसकी आईडी को प्रिंट कर देगा। फिर सी आउट करते हैं मैन प्रोग्राम एग्जिटिंग मैन प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा।
और पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट की मदद से हम थ्रेड से भी एग्जिट हो जाएंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि क्रिएटिंग थ्रेड 0, 1, 2, फिर क्या करता है कि स्लिपिंग इन थ्रेड, फिर थ्रेड आईडी 0, मेन क्रिएटिंग थ्रेड्स एग्जिटिंग 3, फिर आता है क्रिएटिंग थ्रेड आईडी 1, मेन क्रिएटिंग थ्रेड एग्जिट 4, 4 से भी एग्जिट हो जाता है, मेन कंप्लीटिंग थ्रेड आईडी 0, एग्जिटिंग विथ स्टेटस 0, मेन कंप्लीटिंग थ्रेड आईडी 1, एग्जिटिंग विथ स्टेटस 0, फिर स्लिपिंग इन थ्रेड थ्रेड आईडी 3 और उसके बाद वो एग्जिट हो जाता है, फिर स्लिपिंग इन थ्रेड थ्रेड आईडी 4, एग्जिटिंग, स्लिपिंग इन थ्रेड थ्रेड आईडी 2 और एग्जिटिंग, फिर क्या करता है कि मैन कंप्लीटिंग थ्रेड आईडी 2, एग्जिटिंग विथ स्टेटस 0, मैन कंप्लीटिंग थ्रेड आईडी 3, एग्जिटिंग विथ स्टेटस 0, मैन कंप्लीटिंग थ्रेड आईडी 4, एग्जिटिंग स्टेटस 0, मेन प्रोग्राम एग्जिट, मेन प्रोग्राम खत्म हो गया और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो गया। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो लेक्चर मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें बताएं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक दीजिए और अगर आपके कोई क्वेश्चन या फिर सुझाव है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।